अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को मज़ीद सेटिंग के बारे में बताऊंगा, ब्लॉगर की सेटिंग के बारे में मुकम्मल डिटेल और सेटिंग जानिए इस वीडियो में। इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का निशान भी दबा दें हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, लास्ट डे मैंने आपको यहाँ तक सिखाया था, आज मैं मीटर टैग से सिखाऊँगा। आप लोगों का मीटर टैग ऑफ होगा, आप लोगों ने करना क्या है, इसको ऑन कर लेना है। मीटर टैग जो देख रहे हैं ऑन कर लेना है, और यहाँ पर क्या कर लेना है, आप लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन लिख लेना है 150 वर्ड्स की। तो यहाँ पर अपने ब्लॉग की वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख सकते हैं, जिसके बारे में आप लोगों की ब्लॉग हो, मसलन टैग के बारे में हो तो यहाँ पर टैग की डिस्क्रिप्शन लिखे, मोबाइल की हो तो मोबाइल की डिस्क्रिप्शन लिखे ताकि वो सर्च में आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं YouTube में यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। मैं आप एक गूगल पहले ओपन कर लेता हूँ, गूगल में यहाँ पर कमाल सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन से आप लोगों की जो वेबसाइट है, ब्लॉग है, वो आसानी से रैंक में आती है गूगल सर्च में, और आप लोगों की व्यूअर्स जो है ना, ट्रैफिक आप लोगों की बहुत ज़्यादा होगी अगर आप लोग सही से ये करें। तो मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पर, यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मेरा टैग के मुताबिक है, टैग के बारे में है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आई शेयर different type of, for example types of tag article, और आप लोगों ने दो तीन दफ़ा अपनी टैग की ब्लॉग की नाम भी लिख लेना है ताकि आप लोगों की जो रैंकिंग हो आसानी से गूगल में आए आपकी जो ब्लॉग है। इसके बाद आप लोगों ने क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग पर क्लिक कर लेना है, ये ऑफ हो गया, आप लोगों ने इसे ऑन कर लेना है। इसके बाद कस्टम रोबोट txt, इस पर क्लिक कर लेना है आप लोगों ने आना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कस्टम रोबोट txt, आप लोगों ने ये किस तरह बना लेना है साइट मैप ताकि आप लोगों की जो वेबसाइट है, ब्लॉग है, वो गूगल में रैंक करे, लोगों को शो हो जाए गूगल में, कोई आप लोगों की ब्लॉग सर्च करे तो वो आए। तो आप लोगों ने करना क्या है, साइट मैप जनरेटर यहाँ गूगल में लिख लेना है, यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर, यहाँ पर मैं सीखने वाले पर क्लिक कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, और मैंने अपनी जो वेबसाइट है मैंने उसका URL कॉपी कर लिया है। आप लोगों ने URL कॉपी कर लेना है, यहाँ से ये URL होता है दोस्तों, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जनरेट साइट मैप पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हैं साइड में जनरेट हो गई। दोस्तों, आप लोगों ने सारे जितने भी वर्ड्स हैं आप लोगों ने कॉपी कर लेनी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस आता हूँ ब्लॉगर पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पेस्ट कर लेता हूँ सेटिंग, मैं आता हूँ कस्टम रोबोट txt में पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये साइड में जनरेट हो गई है दोस्तों, सेव पर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ। इसके बाद आता है इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, आप लोगों ने इसको भी ऑन कर लेना है। होम पेज टैग्स पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है और इसको ऑल पर क्लिक कर लेना है, ऑल पर क्लिक कर लेना है और नो DP पर, इसके बाद सेव पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दूसरा है आर्गुमेंट सर्च पेज टैग्स, इसको नो DP ऑल पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर नो DP पर, इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। जो थर्ड वन है पोस्ट एंड पेज टैग, ऑल पर क्लिक कर देना है और नो DP पर, और सेव कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बैकअप इंपोर्ट, इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, वीडियो फ्रॉम योर ब्लॉग आप लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई ब्लॉग वेबसाइट ख़रीद लिया तो उनके आर्टिकल, ब्लॉग के आर्टिकल यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं, आसानी से बैकअप भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने कोई डिलीट कर दिया हो तो। ये थी बेसिक सेटिंग एक ब्लॉगर की। इसके आगे वीडियो में जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, मैं मज़ीद सेटिंग के बारे में बताऊँगा और बैक लिंक पर
बैक लिंक पर भी वीडियो बनाऊंगा और SEO के बारे में, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बनाऊंगा, इस तरह से आप लोग नंबर वन पर अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं गूगल में, और किस तरह से आप लोग एडसन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस सीरीज़ में। आप बस आप लोगों ने करना क्या है, हमें सपोर्ट करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।